नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा कौशिक और आपसे बात करूंगी राशिफल की। और हमेशा की तरह एरीज यानी मेष राशि से करेंगे शुरुआत। नए क्लाइंट मिलने से आपको मुनाफा होने की उम्मीद है। उसके साथ साथ माता पिता की कोई भी बात जो है उनकी कही हुई अगर आपको पसंद नहीं आती तो उसे दिल से लगाने से आपको बचना चाहिए और कोशिश कीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट बात है वो उनसे ना छुपाई जाए। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो समय अच्छा है लेकिन फिर भी और ज़्यादा मेहनत मांगता है, स्पेशली अगर आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं। तो शाम को कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ आप घूमने जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आपके लिए आज लकी नंबर रहेगा 7 और लकी कलर रहेगा मरून। टॉरस यानी वृष राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अच्छी आमदनी से इनकम तो आपकी बढ़ती हुई नजर आ ही रही है, पर एक फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो भी आप अच्छा सा मेंटेन कर सकते हैं। जिन लोगों की तबीयत अच्छी नहीं चल रही तो उनके लिए सितारे कहते हैं कि आपको अपनी सेहत के प्रति कोई लापरवाही नहीं जो है वो करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलने की जरूरत होगी, कोई ना कोई आपके काम के आड़े आ सकता है, आपके लिए परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। आपके लिए लकी नंबर आज रहेगा 18, लकी कलर रहेगा बॉटल ग्रीन। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि बजट बनाकर अगर आप चलेंगे तो बचत किसकी होगी, आपकी खुद की। तो इसलिए अगर अभी तक बजट पे नहीं आपने काम किया है तो अपने लिए जरूर एक छोटा सा बजट बनाएं और उससे स्टिक करना भी जरूरी होगा। जो भी खर्चे हो रहे हैं लिखते जाएं, कहीं से पैसा आ रहा है तो उसे भी साथ जरूर लिखें और उस आए हुए पैसे को अपनी सेविंग्स की तरह ट्रीट करें। आराम के लिए अगर आप चाहते हैं कि तबीयत नहीं अच्छी चल रही और मूड को भी थोड़ा सा विश्राम चाहिए तो छुट्टी ले भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा घर पर। लेकिन अगर घर पर समय बिता रहे हैं तो किसी भी वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, बहसबाजी से बचें। डिसएग्रीमेंट्स अगर हो भी रहे हैं तो आज अपने मन की शांति आप खुद बना के रखें। कुछ लोगों के लिए दूसरे देश या दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट ट्रैवल करने का भी मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। आज जो है वो आप जो अधूरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन्हें बीच में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी काम, भले वो पर्सनल फ्रंट पर था, प्रोफेशनल फ्रंट पर था, कहीं पेंडिंग चल रहा है तो उसे उठा लेंगे, कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप ही का फायदा होगा। आपके लिए आज लकी नंबर रहेगा 2 और लकी कलर रहेगा ऑरेंज। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आज सेहत की ओर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल जो है वो लक तो आज आपका साथ देगा ही देगा। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने के लिए समय जो है वो अच्छा नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ आपके का अल एक्स्ट्रा टाइम जो है वो स्पेंड करने का मौका मिलेगा। सिंगल हैं तो किसी अच्छे लाइक माइंडेड शख्स से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 1 और लकी कलर रहेगा रेड। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपनी हेल्थ के प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोई अगर ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं चल रही तो थोड़ा विश्राम अगर आप कर लेंगे, रेस्ट कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। और जो लोग थोड़ा सा लेथार्जिक महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है वो सैचुरेटेड महसूस कर रहे थे तो कोई ना कोई वर्कआउट या किसी के साथ वॉक भी अगर शुरू की जाए तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकती है। उसके साथ अपने समय के साथ जो है वो आपकी फाइनेंसेस तो इम्प्रूव होते नजर ही आ रहे हैं। ऑफिस में भी आज आप शांति जो है वो महसूस करेंगे। किसी फैमिली के बड़े की राय लेकर अगर चलेंगे तो ज़िंदगी में काफ़ी गलतियां करने से आप बच सकते हैं। तो आज अगर मौका मिलता है तो उनके साथ समय ज़रूर बिताएं। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 9 और लकी कलर रहेगा बॉटल ग्रीन। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपने पैसे को जो है वो एक ही जगह आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। कहते हैं ना कि डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इसलिए मल्टीपल जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। और वो कैसे होंगी मुमकिन, जब आप किसी से सलाह मशवरा लेकर चलेंगे। यात्रा पर जाने से पहले अपनी जो है वो ज़रूरी सामान को चेक कर लें। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, भले वो बिल्स ड्यू हैं या फैमिली ने आपको कोई काम दिया है, तो एक बार वो भी जो है वो प्लान आउट करके चलें। और ऑफिस में अपना काम किसी के जिसके साथ भी शेयर करते हुए जा रहे हैं उसे सुपरवाइज जरूर करते हुए चलें। स्टूडेंट्स को जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी लव लाइफ भी आज जो है वो अच्छी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अपने पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियाँ जरूर बढ़ेंगी। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा ग्रे। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए दिन जो है वो अच्छा नजर आ रहा है और वर्क प्लेस पर आपकी मेहनत से आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। घर पे कोई गैदरिंग का, कोई गेट टुगेदर का अरेंजमेंट भी किया जा सकता है, कोई ना कोई रिलीजियस सेरेमनी, कोई फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और आज अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो हो सकता है कुछ उन लोगों के साथ हो जिनके साथ बहुत सेटिंग जो है बहुत अच्छा तालमेल आपका नहीं बनता, तो इसलिए अपनी पेशेंस, पीस ऑफ माइंड बनाने के लिए क्या किया जाए,
या तो फोन में अच्छा म्यूजिक डाउनलोड कर लिया जाए या किसी किताब का सहारा लिया जाए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि अगर बातचीत करनी पड़ती है तो इस तरीके से इतने खूबसूरत डिस्टेंस के साथ करी जाए कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप उनके साथ और ना बिगड़े। आज आपके लिए लकी नंबर रहेगा 11 और लकी कलर रहेगा सिल्वर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति आज जो है वो बहुत एवरेज नजर आ रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई आपको फिजूल खर्चों से भी बचना चाहिए और कहीं से पैसा आ रहा है तो उसको आज कहीं इन्वेस्ट करने से भी बचना चाहिए। फ्रीलांसर्स के लिए अच्छा समय नजर आता है, आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नया काम मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। फैमिली में जो आपके कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आपकी जरूरत पड़ सकती है, उनके साथ समय बिताने की जरूरत होगी। हो सकता है वो थोड़ा लोनली फील करें, मूड स्विंग्स का कहीं ना कहीं सामना उनको करना पड़ सकता है, तो अगर आपके लिए मुमकिन है तो उनके साथ समय थोड़ा सा जरूर बिताएं। उसके साथ जो है वो अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना है या लॉन्ग रूट पर आप जा रहे हैं तो जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं, एक बार उनकी अवेलेबिलिटी जरूर क्रॉस चेक कर लें। हो सकता है आपके लिए चीजें प्लान्ड हो लेकिन हो सकता है वो ट्रिप जो है वो आज वायबल ना निकले, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी हो सकता है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा ग्रीन। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि आज कोई करीबी आपसे या कोई आपका दोस्त जो है वो आपसे कुछ पैसे उधार मांग सकता है, तो कोशिश कीजिए कि उधार उतना ही दिया जाए जितना कि अगर जल्दी वापस ना भी आए तो आपको चुभे नहीं, आपकी आपकी पॉकेट में जो है वो डेंट ना पड़े। फैमिली का आपको सपोर्ट ओवरऑल जरूर मिलेगा, कोई चेंजेस आप करना चाहते थे अपने पर्सनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पर, तो आपकी फैमिली जो है उसमें आपको सपोर्ट करेगी। आपके कोई ट्रैवल ट्रिप आज अगर प्लान है तो आप काफ़ी अच्छा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में, अपने फोकस में ढील नहीं बरतनी चाहिए। आपके लिए आज लकी नंबर रहेगा 15 और लकी कलर रहेगा फिरोजी। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रंट पर आज कुछ दिक्कतें आने के भी योग बन रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रांसफर से जुड़े हुए काम जो आपके पेंडिंग थे तो अब आपको आपकी पसंद की जॉब जो है वहां पोस्टिंग मिल सकती है। प्रॉपर्टी डील में अच्छा लाभ होते हुए नजर आ रहा है, साथ ही साथ फैमिली जो है वो आपके रिलेशनशिप के बारे में उन्हें पता चल सकता है और उससे पहले कि उन्हें खुद पता चले अगर आप भी जाकर बताएंगे तो उनका सपोर्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए लकी नंबर आज रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा रोजी ब्राउन। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या जो फिजूल खर्चे हैं उन पर आपको थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत रहेगी अपने फाइनेंशियल ग्राफ को मेंटेन करने के लिए। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि आप लीव अप्लाई करें या आप छुट्टियों पर जाने का मूड बने तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आज अपनी एप्लीकेशन जो है वो आप अपने बॉस को दे सकते हैं। युवाओं की शादी को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, पर चिंता से होता क्या है, किसका भला हुआ है आज तक, तो आपको काम जो है वो उस अकॉर्डिंगली करना चाहिए। किसी एक ही जो आपको आपका ढूंढने का जो तरीका है रिश्ता, वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव लाने की जरूरत रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो है अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स का अच्छा प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहा है। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 18 और लकी कलर रहेगा रेड। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन की। आपकी फाइनेंशियल जो ग्राफ है आपका वो भी एवरेज नज़र आ रहा है, ना ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं ना ज़्यादा बुरा कह सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय ज़रूर अच्छा नज़र आता है, यानी कि बिजनेस फ्रंट पर आप कोई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। घर पर जो है वो पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो इसलिए वहां से कम टेंशन आपको नहीं नज़र आ रही। प्रॉपर्टी में भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा और पार्टनर जो है वो अपने किए हुए किसी वादे से मुकर सकते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दें, उसके लिए बहसे नहीं, अपने रिलेशनशिप को ख़राब ना करें, कोई बात नहीं, गिव देम अनदर चांस। आपके लिए लकी नंबर आज रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा चॉकलेट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी और आपको पता है क्या करना है, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये सीरीज़ जो है वो डेली हॉरोस्कोप की कैसी लग रही है। मैं रोज़ आपसे कुछ समय निकाल कर आपसे मुलाकात करती हूँ और साथ ही साथ आपके लिए कोशिश करती हूँ कि नई नई चीज़ें जो है वो हॉरोस्कोप में ऐड कर सकूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, आप हमारे वीडियोज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मोराल हमारा भी बूस्ट नहीं होता। तो ये मेरे लिए जो मोराल बूस्टर है ना वो आप ही लोग हैं। हमें ज़रूर बताइए कि हाउ आर यू फाइंडिंग आवर वीडियोज एंड सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। गॉड ब्लेस यू।